डेरा सच्चा सौदा के सेवादार पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों पर चलते हुए ऐसे ऐसे मानवता भलाई के काम करते हैं जिन्हें देखकर लोग दिल से उन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मानवता भलाई का कार्य ब्लॉक संगरिया राजस्थान के गाँव लीलावाली निवासी 90 वर्षीय माता गुरमेल कौर इंसा ने किया। जब जब इंसानियत के पुरोधाओं के नाम लिखे जाएंगे तो डेरा सच्चा सौदा की सेवादार गुरमेल कौर इंसा का नाम भी अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा, क्योंकि सचखंड वासी गुरमेल कौर की मृत देह को मरणोपरांत मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया गया है। जानकारी देते हुए संगरिया ब्लॉक के प्रेमी सेवक ओम प्रकाश इंसा ने बताया कि गांव लीलावाली की रहने वाली 90 वर्षीय माता गुरमेल कौर इंसा धर्मपत्नी जीता सिंह का 10 जून शनिवार शाम को निधन हो गया था। माता की अंतिम इच्छा थी कि उनका शरीर जलाया ना जाए बल्कि मानवता भलाई के लिए दान किया जाए। माता की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उनके बेटे गुरु साहब सिंह इंसा गुरु चरण सिंह इंसा ने परिजनों के साथ मिलकर शरीर दान करने का फैसला लिया और माता की इच्छा अनुसार उनका शरीर फरीदाबाद के अमृता मेडिकल कॉलेज को दान किया गया। इस मौके पर माता के परिवार के सभी सदस्य व शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई बहनों सहित ब्लॉक की समस्त साध संगत ने सचखंड वासी गुरमेल कौर इंसा अमर रहे व जब तक सूरज चांद रहेगा माता गुरमेल कौर तेरा नाम रहेगा के नारों के बीच सैल्यूट करते हुए उनकी मृतदेह को फूलों से सजी एम्बुलेंस में अंतिम विदाई दी। सचखंडवासी माता गुरमेल कौर के पुत्र 15 मेंबर कमेटी के सेवादार गुरुचरण इंसा का कहना है कि उनकी माता ने परम पिता शाह सतनाम जी महाराज से 1980 में गुरु मंत्र लिया था। वह तभी से प्रभु भक्ति में लीन रहती थी और मानवता भलाई के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उनके दोनों बेटे गुरु साहब सिंह इंसा प्रेमी सेवक के रूप में और गुरुचरण सिंह इंसा ब्लॉक की 15 मेंबर कमेटी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दोनों भाई मानवता भलाई के कार्य में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। वहीं इस मौके पर 85 मेंबर कमेटी के सेवादार कृष्णा सोनी इंसा का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार नित्य ऐसे मानवता भलाई के कार्य करते रहते हैं। ब्लॉक संगरिया में इससे पहले लगभग 12 शरीर दान हो चुके हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। उन्होंने कहा कि इन मृतदेह पर मेडिकल स्टूडेंट रिसर्च करके विभिन्न बीमारियों की इलाज का पता लगा सकेंगे। वहीं शरीरदान के इस फैसले को लेकर पूरे राजस्थान के गणमान्य लोगों ने डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाई गई इस मुहिम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने जो मुहिम चलाई है उससे समाज में शरीर दान को लेकर जागरूकता आई है। डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को लेकर हमारे दर्शक क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।